ब्लास्टर मेट सिरदार माइनिंग कंपटेंसी एग्जाम मॉक टेस्ट 2023 फॉर माइनिंग एग्जाम स्पेशल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शैल बी एग्जामिन्ड बाई अ कंपटेंट पर्सन वंस एट लीस्ट इन एवरी, यानी कम से कम कितने दिन में एक बार फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का जांच एक सक्षम व्यक्ति कर सकता है? तो आंसर 3 मंथ। क्वेश्चन नंबर 2, नॉनेल का फुल फॉर्म नॉन इलेक्ट्रिक इनिशिएशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, ओबी का फुल फॉर्म ओवर वर्डन। क्वेश्चन नंबर 4, पीईटीएन का फुल फॉर्म पेंट्रा इरिथ्रिनल टेट्रा नाइट्रेट। ये क्वेश्चन नंबर 4, पीईटीएन का फुल फॉर्म जरूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, आरडीएक्स का फुल फॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 70/110 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज नोटिफाइड डिजीज, यानी नोटिफाइड डिजीज किसे कहते हैं? तो आंसर है द डिजीज विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 25 ऑफ माइंस एक्ट 1952 इन कनेक्शन विथ माइनिंग ऑपरेशन, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा माइंस एक्ट 1952 में सेक्शन 25 में जो जो रोग के बारे में बताया गया है उसे नोटिफाइड डिजीज कहते हैं। और आगे नोटिफाइड डिजीज के कितने प्रकार के होते हैं ये सभी क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता देंगे। उन सभी, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है कि नोटिफाइड डिजीज, तो उसका नाम है सिल्कोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, एस्बेस्टोसिस, मैग्नीज पॉइजनिंग, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, कॉन्टैक्ट डिटरमेटिटिस कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ केमिकल्स, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। तो ये सभी नोटिफाइड डिजीज के नाम है जो माइंस में काम करने वाले व्यक्ति को सेफ्टी न रखने के वजह से ये सभी बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन फोरमैन, तो रेगुलेशन नंबर 46 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग मैन्स, को रेगुलेशन नंबर 47 में है। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लास्टर रेगुलेशन 160 में है। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रिलिंग चार्जिंग स्टेमिंग एंड फायरिंग ऑफ शॉर्ट होल्स, रेगुलेशन नंबर 162 में है। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ब्लास्टर, रेगुलेशन नंबर 48 में दिया हुआ है। तो ये सभी क्वेश्चन जरूर से जरूर याद कर लें आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14, मिस फायर्स, रेगुलेशन नंबर 167। 15 क्वेश्चन नंबर, मिस फायर मिस द फेलर टू एक्सप्लोड ऑफ एन इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन अ शॉर्ट हॉल। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर यूज ऑफ एक्सप्लोसिव परमिशन हैज टेकन फ्रॉम, यानी एक्सप्लोसिव के यूज़ करने के लिए किससे परमिशन लेना होगा? तो कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव से। क्वेश्चन नंबर 17, अ स्पेसिंग इज द, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू होल्स इन द सेम रो। क्वेश्चन नंबर 18, बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट रो ऑफ ब्लास्ट होल्स एंड द बेंच एज। जो क्वेश्चन नंबर 14, मिस फायर रेगुलेशन, ये याद कर लिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और इसके बाद मिस फायर किसे कहते हैं, तो एक्सप्लोड जो इंटायर एक्सप्लोसिव को शॉर्ट हॉल में ब्लास्ट करने के बाद फेल हो जाता है उसको मिस फायर कहते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है स्पेसिंग, तो दो हॉल के बीच की दूरी को स्पेसिंग कहते हैं। उसी तरह से बर्डन है, तो ब्लास्ट हॉल से जो फ्री फेस का दूरी होता है उसको, बेंच के किनारे से, उसको बर्डन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, डीप होल ब्लास्टिंग, तो ब्लास्टिंग ऑफ होल्स डीपर देन 3 मीटर इन ओपन कास्ट माइंस इज नोन एज डीप होल ब्लास्टिंग, यानी जो ओपन कास्ट माइंस में 3 मीटर से ज़्यादा का ब्लास्टिंग होल किया जाता है उसको डीप होल ब्लास्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फ्लाई रॉक्स ड्यूरिंग ओपन कास्ट ब्लास्टिंग हैव टू कंट्रोल बाई मफल्ड ब्लास्टिंग, कभी कभी ब्लास्टिंग करने के बाद पत्थर उड़ते हैं उसको रोकने के लिए जिस विधि का यूज़ किया जाता है उसे मफल ब्लास्टिंग कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, द हॉल्स चार्ज्ड विथ एक्सप्लोसिव बट नॉट ब्लास्टेड ऑन द सेम डे आर नोन एज स्लीपिंग हॉल्स. क्वेश्चन नंबर 22, द एक्सप्लोसिव शैल बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइट ऑफ ब्लास्टिंग नॉट मोर देन 30 मिनट कमेंसमेंट ऑफ चार्जिंग ऑफ द हॉल्स. यानी जो हॉल चार्ज करके छोड़ दिया जाता है उसी दिन ब्लास्टिंग नहीं किया जाता, उसे स्लीपिंग हॉल्स कहते हैं. और जब ब्लास्टिंग करने वाले जगह पे 30 मिनट से पहले ब्लास्टिंग का चीज़ जैसे बारूद वगैरह एक्सप्लोसिव ये सब वहाँ नहीं लिया जाएंगे, यानी जहाँ ब्लास्ट करना हो वहाँ 30 मिनट पहले ही एक्सप्लोसिव ला कर के रखेंगे. ये सभी भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, इसे याद कर लें ज़रूर से ज़रूर. क्वेश्चन नंबर 23 है कि नोट मोर देन 10 kg ऑफ एक्सप्लोसिव सेल कंटेन इन कंटेनर. यानी एक बार में 10 kg से ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं रखना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 24, मिनिमम लेंथ ऑफ सेफ्टी फ्यूज ऑफ द फायरिंग एंड सेल नॉट बी लेस देन 1.2 मीटर. यानी फायर करने वाले जगह से जो फायरिंग एंड है वहाँ से 1.2 मीटर से कम सेफ्टी फ्यूज नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 25 है कि पाउडर फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन तो टन पर kg. क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज पाउडर फैक्टर, तो टनेज ऑफ और ब्लास्टेड पर kg ऑफ एक्सप्लोसिव. यानी 1 kg एक्सप्लोसिव में कितना माल टूटता है उसको पाउडर फैक्टर कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 27, पाउडर फैक्टर इन तो मीटर पर kg इज 1 होता है. पाउडर फैक्टर का जो मीटर कर पर kg और पाउडर फैक्टर का यह सूत्र है 10 × 8 × 20 / 1600 बराबर 1. ये पाउडर फैक्टर का सूत्र होता है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर ले, इससे एक क्वेश्चन आपके माइनिंग मेट में आएंगे. क्वेश्चन नंबर 28, रिजर्व स्टेशन इज अ प्लेस फॉर प्लेस ऑफ टेम्प्रोरी स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव. यहाँ यानी जहाँ पे अस्थायी रूप से एक्सप्लोसिव रखा जाता है उसको रिजर्व स्टेशन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 29, ए व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी ड्राइवन एट अ स्पीड एक्सीडिंग 25 km/h. यानी जिस व्हीकल में एक्सप्लोसिव रखा हो 25 km से ज़्यादा स्पीड में नहीं चलेगी. क्वेश्चन नंबर 30, द क्वान्टिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू बी प्रोवाइडेड इन अ माइन और एनी पार्ट देयर ऑफ सेल बी ऑन अ स्केल ऑफ एटलीस्ट 2 liters फॉर एवरी पर्सन एम्प्लॉयड एट एनी वन टाइम. यानी एक जहाँ माइंस में काम करते हैं वहाँ पे कम से कम 2 liter पानी की व्यवस्था होनी चाहिए एक माइंस में किसी भी एक व्यक्ति के लिए. क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट शुड बी द एज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन. कॉम्पिटेंट पर्सन का एज कितना होता है, तो 20 years. क्वेश्चन नंबर 32, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर फॉर प्रोविजन ऑफ अ रेस्ट शेल्टर इज, तो एक रेस्ट शेल्टर बनाने के लिए 50 मैन पावर चाहिए. क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट शुड बी द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर माइनिंग मेट कंपटेंसी एग्जाम. माइनिंग मेट कंपटेंसी एग्जाम देने के लिए कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो 10th pass. 34, क्वेश्चन नंबर 34, IME एंड PME इज नेसेसरी फॉर तो ऑल द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द माइन. यानी IME इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन माइंस में करने वाले सभी व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है. क्वेश्चन नंबर 35, द लिमिटेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एबव ग्राउंड इज 9 hours पर डे और 48 hours पर वीक. यानी एक दिन में कम से कम 9 घंटा और एक सप्ताह में कम से कम 48 घंटा एबव ग्राउंड में काम करने वाले वर्कर्स को काम करना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लें. क्वेश्चन नंबर 36, एग्जामिनेशन बाय माइनिंग मेट्स कम्स अंडर विच रेगुलेशन, तो रेगुलेशन नंबर 116 ऑफ MMR मेटलिफरस माइंस रेगुलेशन 1961 में आता है. क्वेश्चन नंबर 37, द नंबर्स ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द सेफ्टी कमिटीज, तो 30, सेफ्टी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं टोटल, तो 13. क्वेश्चन नंबर 38, इन ओपन कास्ट माइन डेंजर जोन ऑफ ब्लास्टिंग इज टू बी टेकन एज एन एरिया फॉलिंग विद इन अ रेडियस ऑफ 500 meters फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायरिंग. यानी ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग करने से लेकर के 500 meters तक के एरिया को डेंजर जोन माना जाता है, यानी इस जोन में किसी और व्यक्ति का आना जाना मना रहता है. क्वेश्चन नंबर 39, द ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ अ माइन बोर्ड टू अपॉइंट अ क्वालिफाइड वेलफेयर ऑफिसर वेयर द नंबर ऑफ वर्कर्स इज 500 और मोर. यानी जहाँ 500 या उससे ज़्यादा व्यक्ति होते हैं
वहाँ ऑनर एजेंट मैनेजर एक क्वालिफाइड वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द हाइट ऑफ द बेंच डिसाइडेड बाय, तो हाइट ऑफ बूम ऑफ सोवेल एबव द फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 41, नो वर्किंग शैल बी डन विद इन 45 मीटर ऑफ एनी रेलवे पब्लिक रोड विदाउट द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, यानी जहाँ पर रेलवे हो, पब्लिक रोड हो, वहाँ पर 45 मीटर के दूरी पर बिना चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के परमिशन के बिना वहाँ पे कोई भी माइनिंग काम नहीं किया जाएगा। और हाइट का, बेंच का हाइट डिसाइड होता है जो सबसे बड़ी मशीन है माइंस में उसके हाइट, सोवेल एबव द फ्लोर, यानी जमीन से वहाँ तक की जो दूरी होती है उस पर डिसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट 1952 कैलेंडर ईयर मीन्स, तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये माइंस एक्ट 1952 के हिसाब से कैलेंडर ईयर है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट शुड बी द ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड, तो 1 in 16, यानी हॉल रोड का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, 1 in 16। क्वेश्चन नंबर 44, एज पर माइंस एक्ट 1952 अडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कम्प्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज, यानी जो 18 वर्ष या उससे ज़्यादा कंप्लीट कर चुका है उसे माइंस एक्ट 1952 में अडल्ट व्यक्ति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, द ऑपरेटर शैल स्टॉप द मशीन इफ द आइडलिंग टाइम एक्सीड 3 मिनट, यानी कोई भी ऑपरेटर अगर 3 मिनट से ज़्यादा आइडलिंग टाइम हुआ है तो वो मशीन को बंद करके रखेगा ताकि दूसरा काम आने पर ही उसे स्टार्ट किया जा सके। तो ये सब क्वेश्चन भी याद कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, पार्किंग ब्रेक इज़ यूज्ड फॉर, तो कीपिंग द डंपर इन नॉन मूविंग कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 47, एमबीटी रूल्स 1966 शैल नॉट अप्लाई टू विच ऑफ फॉलोइंग पर्संस, तो माइंस मैनेजर्स के लिए एमबीटी रूल्स 1961 जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, एमएमआर 1961 कहाँ कहाँ लागू होगा, तो पूरे भारत में। क्वेश्चन नंबर 49, एमएमआर 1961 कौन से माइंस पर लागू नहीं होता होगा, तो कोल और ऑयल माइंस पर एमएमआर 1961 लागू नहीं होता। ये क्वेश्चंस भी याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 50, मैनेजर माइंस एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है, तो सेक्शन 17 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 51, मेटलिफेरस माइंस का क्या अर्थ है, तो कोल और ऑयल माइंस को छोड़कर बाकी सब माइंस। क्वेश्चन नंबर 52, माइनिंग ऑफिशियल में कौन कौन डेजिग्नेशन आता है, तो अंडरग्राउंड मैनेजर, अंडर मैनेजर, माइन फोरमैन, माइनिंग मेट इंजीनियर और सर्वेयर, ये सभी माइनिंग ऑफिशियल के अंतर्गत आते हैं। और मेटलिफेरस माइंस का अर्थ कोल और ऑयल माइंस को छोड़कर सब माइंस में होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, मैगजीन में एक्सप्लोसिव रिसीव करने और इशू करने का कार्य कौन करेगा, तो मैगजीन इंचार्ज। क्वेश्चन नंबर 54, इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट कब लागू हुआ, तो 1884 में। क्वेश्चन नंबर 55, माइंस में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज होता है, तो पास एक्सप्लोसिव। क्वेश्चन नंबर 56, हाई एक्सप्लोसिव को क्या कहते हैं, तो कैप सेंसिटिव, कैप सेंसिटिव ये हाई एक्सप्लोसिव को कहते हैं, और माइंस में यूज होने वाले एक्सप्लोसिव को पास एक्सप्लोसिव कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लें, इसमें भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने के संभावना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, होल चार्जिंग के कितने आवर के अंदर ब्लास्टिंग कर लेना चाहिए, तो 2 आवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 58, होल की फ्री फेस से दूरी क्या कहलाता है, तो बर्डन। क्वेश्चन नंबर 59, एक ही लाइन के दो होल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, स्पेसिंग। क्वेश्चन नंबर 60, माइंस में भर्ती होने से पहले कौन सी जांच अनिवार्य है, तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और IME, यानी IME का फुल फॉर्म होता है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, डेली अटेंडेंस कौन से फॉर्म में बनेगा, तो फॉर्म D में। क्वेश्चन नंबर 62, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का क्या अर्थ है, तो सीरियस एक्सीडेंट को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति 72 घंटे या उससे ज़्यादा समय तक काम पर नहीं लौटता है उसे रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर माइंस में जाने से कितने समय पहले मैनेजर को सूचित करेगा, तो 3 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 64, माइंस में नियोजित कितने लोगों के ऊपर
फर्स्ट एड रूम बनाया जाता है तो मोर देन 150। क्वेश्चन नंबर 65, ड्रिंकिंग वाटर धोने की जगह मूत्रालय शौचालय से कितनी दूरी पर होनी चाहिए, तो नोट लेस देन 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 66, माइंस में नियोजित हर व्यक्ति की PME जांच कितने वर्ष के अंतराल में कराई जाती है, तो 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 67, 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की PME जांच कितने वर्ष में होना अनिवार्य है, तो 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 68, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की PME जांच कितने वर्ष में होना अनिवार्य है, तो 1 वर्ष। तो ये सभी याद कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, एक्सप्लोसिव बैन का एग्जामिन कौन करता है, तो ओबरमैन और फोरमैन। क्वेश्चन नंबर 70, एक्सप्लोसिव बैन को कितने समय में एक बार एग्जामिन किया जाएगा, 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 71, एनफो किस प्रकार का एक्सप्लोसिव है, तो नॉन कैप सेंसिटिव। क्वेश्चन नंबर 72, लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव तो गन पाउडर। क्वेश्चन नंबर 73, होल का टेम्परेचर कितना डिग्री से अधिक हो तब चार्जिंग नहीं किया जाएगा, तो 80 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 74, एनफो का फुल फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। क्वेश्चन नंबर 75, माइन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने लीटर पानी की व्यवस्था की जाएगी, 2 लीटर। क्वेश्चन नंबर 76, फर्स्ट एड रूम का एरिया कितना होना चाहिए, तो 10 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 77, ओवर टाइम रजिस्टर किस फॉर्म में रखी जाएगी, फॉर्म बी में। क्वेश्चन नंबर 78, माइन फोरमैन का काम क्या है, सुपरवाइजर और कंट्रोल का। क्वेश्चन नंबर 79, ब्लास्टिंग के बाद होल में जो मटेरियल छूट जाता है उसे क्या कहते हैं, तो सॉकेट। क्वेश्चन नंबर 80, GT का फुल फॉर्म गैस टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 81, कोल इंडिया लिमिटेड CIL का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1975। क्वेश्चन नंबर 82, WCL की स्थापना, तो 1 नवंबर 1975। क्वेश्चन नंबर 83, WCL का फुल फॉर्म वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 84, ओपन कास्ट माइन की सबसे बड़ी मशीन बकेट व्हील एक्सकावेटर BWE। क्वेश्चन नंबर 85, माइन में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज नहीं किया जा सकता है, तो लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव। क्वेश्चन नंबर 86, CI का फुल फॉर्म तो चीफ इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 87, GM का फुल फॉर्म जनरल मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 88, RI का फुल फॉर्म रीजनल इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 89, DGMS का फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 90, DF का फुल फॉर्म डेटोनेटर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 91, PF का फुल फॉर्म पाउडर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 92, MMR का फुल फॉर्म मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 93, RPM का फुल फॉर्म रेगुलेशन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 94, HEM का फुल फॉर्म हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 95, एक्सप्लोसिव डेंसिटी ऑफ NFO 0.852:1। क्वेश्चन नंबर 96, नोट मोर देन 200 डेटोनेटर्स आर ट्रांसपोर्टेड इन अ व्हीकल एट अ टाइम इन द माइन। क्वेश्चन नंबर 97, इन द इवेंट ऑफ अ मिसफायर द एंट्रेंस टू द वर्किंग प्लेसेस शैल बी तो फेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 98, द मिनिमम लेंथ ऑफ द फ्यूज ऑफ फायरिंग अ शॉर्ट होल्स इज तो 1.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 99, ए प्रीकर इज यूज फॉर तो प्राइमिंग ऑफ होल्स। क्वेश्चन नंबर 100, द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्लास्टिंग इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन तो पाउडर फैक्टर, यानी 200 से ज़्यादा डेटोनेटर्स एक बार में किसी व्हीकल में नहीं ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस याद कर लेना चाहिए, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।